भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए हर हाल में लागू होगा और इसके लिए नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली में उन्होंने कहा यह तय है कि सीएए लागू होगा, कोरोना वायरस की वजह से इसे लागू करने में देरी हुई है, लेकिन हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, काम शुरू हो गया है और नियम बनाए जा रहे हैं। अगस्त की शुरुआत में ऐसी खबरें आई थी कि गृह मंत्रालय ने सीएए के नियम तय करने के लिए 3 महीने का समय और दिए जाने की मांग की थी। बंगाल में सीएए को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इस कानून के खिलाफ है और सड़क पर उतरकर विरोध भी जता रही है। बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर रही है, कई मुद्दों पर घिरती नजर आई है विपक्ष मोदी सरकार को। वहीं बता दें कि हाल ही में यानी कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए हर हाल में लागू होने को लेकर बात कही है और इसके लिए नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा सिलीगुड़ी में एक रैली में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।